Hey guys, what's up? This is AJ, and as you all know that your IMUCT exam 2022 results has been declared, and अभी तक आपने देख ही लिया होगा अपने रिजल्ट. बट अगर अभी तक रिजल्ट नहीं देखा है तो imu.edu.in जो कि IMU की ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाइए और वहां पे आप एक बार अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, मतलब रैंक लिस्ट जो आएगी उसमें चेक कर लेना, सर्च कर लेना अपना नाम, क्योंकि अराउंड 10,800 के आसपास रैंक आपको मिलेंगी वहाँ. तो हाँ, उस हिसाब से चेक कर लेना, पीडीएफ वीडीएफ पे नाम सर्च कर लेना, अगर है तो बताना, अगर नहीं है तभी भी बताना. और यहाँ पर तीन केसेस है तुम्हारे पास. ठीक है, जैसे तुम्हारा रिजल्ट डिक्लेयर होता है, पहला IMUCT की रैंक तुम्हारे पास एक अच्छी रैंक है, दूसरा स्पॉन्सरशिप है, तो तुम सिर्फ डायरेक्ट DNS कर सकते हो. तुम अगर तुम्हारे पास स्पॉन्सर की जगह कहीं से सिलेक्शन लेटर है तो BSc कर सकते हो, BTech कर सकते हो. ये ऑप्शंस तुम्हारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है. अगर तुम्हारा अभी तक इंटरव्यूज नहीं हुए हैं या प्रोसेस चल रही है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तो जो तुम्हारा जुलाई का स्लॉट है ना वो खाली है. ठीक है, जो बैच स्टार्ट होता है वो अगस्त से स्टार्ट होगा, तो जुलाई का जो बैच है वो स्लॉट खाली है, तो वहाँ पर तुम्हारे सारे प्रोसीजर चल जाएंगे. बट एक चीज़ ध्यान रखना कि जल्दी जल्दी ये निपटा लेना, क्योंकि अगर तुम नहीं निपटाओगे तो आगे क्या होता है कि कभी कभी वो तुम्हें अगले बैच के लिए भी होल्ड पे रख सकते हैं. तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना. अगर तुम्हारे प्रोसेस चल रहे हैं तो अच्छे से दो और जल्दी जल्दी देने की कोशिश करो. ठीक है, दूसरा जो केस बनता है वो है ओनली IMUCT आपके पास है. मोस्टली केसेस यहां पर ये भी रहते हैं. ठीक है, काफी ज्यादा केसेस रहते हैं. ठीक है, एक रिस्पॉन्सिव किसी को मिलती नहीं है या बहुत न्यू कमर होते हैं और उनको अभी भी पता चल रहा है, वो IMUCT का एग्जाम ऐसे ही दे देते हैं, उन्हें पता नहीं होता ये रिस्पॉन्सिव लेनी होती है या कहीं से प्लेसमेंट के लिए ट्राई करना होता है, तो उनके पास ओनली IMUCT है. ठीक है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें. अगर आपके पास IMUCT है तो काउंसलिंग प्रोसीजर होती है IMU कैंपस के लिए, जो कि आपकी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं. ठीक है, तो उनके लिए अगर आपको काउंसलिंग की प्रोसेस में रहना है तो आपको ये सारी जो प्रोसीजर है वो मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन की है. ठीक है, इसके बाद आपको सीट अपनी रिजर्व करानी होती है, आपको यहाँ पर काउंसलिंग की फीस भरनी होती है, ये एक छोटा सा प्रोसीजर है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, बहुत चीज़ें हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही एक काउंसलिंग प्रोसीजर पे एक्सप्लेन किया हुआ है, और जरूर देखें इस वीडियो को, काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए. ठीक है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें वहाँ मैंने एक्सप्लेन की है. और जिनके पास IMUCT की रैंक है और स्पॉन्सरशिप है, तो बहुत से मुझसे पूछते हैं भैया मुझे कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, IMU मिलेगा, ये बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो एक वीडियो है व्हाट रैंक विच कॉलेज वाली, काइंडली वॉच दिस वीडियो, इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. लाइक कोई भी तुम्हें शायद से उतनी डिटेल में ना बता पाए जितना मैंने बताया है उस वीडियो में, तो एक बार चेक करो उस वीडियो को और उससे तुम्हारा ऑलमोस्ट सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे. तीसरे कौन है, तीसरे केस जो है जिनके नाम नहीं आए, बहुत से बोल रहे थे भैया कि हमारा नाम नहीं आया. देखो, अगर तुम्हारा नाम नहीं आया तो सिंपल से तुम सिलेक्ट नहीं हो. ठीक है, तुम्हें क्या करना है, अब डायरेक्ट तुम्हारा जो है गया 2022, तो अब 2023 के लिए तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा. तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है. और बहुत से अगर यहाँ पर होल्ड में रह रहे हैं जिनके यहाँ पर IMUCT की रैंक आ गई है, स्पॉन्सरशिप भी है, तो अगर तुम होल्ड में हो ना, या तुम्हें सपोज सेलेक्ट नहीं होते उस बैच के लिए, तो तुम्हारी जो रैंक है ये वैलिड रहेगी फैब के लिए भी, 2023 के लिए, तो तुम्हारी यही रैंक चलेगी और उस हिसाब से तुम बस स्पॉन्सरशिप के लिए ट्राई करो. ठीक है, अगर पहले से तो और बढ़िया, बट हाँ ये चीज़ें हैं तुम्हारे पास कि फैब 2023 में यहाँ पर IMUCT नहीं होने वाला है, तो सिंपल सा है कि वहाँ पे तुम्हें IMUCT रैंक की जरूरत नहीं है, वहाँ पे ओनली स्पॉन्सरशिप के लिए ट्राई करो, या पहले से है तो और बढ़िया है. ठीक है, तो यही थे तीन जो केसेस हैं. मे भी मैं ट्राई करूंगा कि अगर मुझे टाइम मिलेगा तो एक बार एनालिसिस करूंगा रैंक लिस्ट का अच्छे से, तो मैं बता दूंगा क्या है आगे सीन. ठीक है, कैसे तुम्हें देखना है आगे चीज़ें, क्योंकि मैंने भी अपना पूरा प्रोसेस पहले से किया हुआ है और कॉलेज का भी पूरा प्रोसेस डन है, तो हाँ मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ इस हिसाब से कि कैसे यहाँ पर देखना है तुम्हें आगे. ठीक है, तो चलो ठीक है, इतना ही है वीडियो. और बहुत से बोल रहे थे भैया वीडियो नहीं आ रही है. ठीक है, मैं यहाँ पर इंस्टा पे देख रहा था, बहुत से मैसेज आ रहे थे कि भैया रिजल्ट आ चुका है. मैंने बोला हाँ भाई मुझे पता है, मुझे पता है. सबसे पहले यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे मैंने ही अपडेट किया तुम्हें, ठीक है, ग्रुप पे अपडेट कर दिया था, ट्विटर पे अपडेट कर रखा है. तो हाँ, तुम्हें अगर अपडेट चाहिए तो ट्विटर को एक बार जरूर फॉलो करो, बहुत ही तुम्हें इंटरेस्टिंग चीज़ वहाँ मिल जाएंगी. और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जो भी हैं, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रोसीजर्स जो भी तुम्हारे आगे प्रोसीजर बचे हुए हैं. तो हाँ, जैसे तुम सेलेक्ट हो जाओगे तो मे भी क्या पता मैं अगले टाइम तुम्हारे कॉलेज में विजिट कर रहा हूँ. ठीक है, तो वहाँ मिलेंगे. तो यही है बस, मिलते हैं अगली वीडियो में. और तुम्हें पता है जैसे मेरी ज्वाइनिंग भी है, तो उस हिसाब से मेरा भी अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, शॉपिंग वॉपिंग मेडिकल वेडिकल सब हो चुका है. तो हाँ, थोड़ा सा कुछ चीज़ें बची हुई हैं, तो वो उन पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू अपलोड अ लॉट ऑफ वीडियोज़ और मेक अ लॉट ऑफ वीडियोज़. सो ये छोटे छोटे
किस्तों में आ रही है वीडियो। तो जब देखते हैं, चलो फिर बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।